नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे खाद के बारे में शेयर करने वाला हूं जो हमारे गार्डन में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग उसको कचरा समझ के फेंक देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं पत्ते की खाद के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सब है मेरे गार्डन से निकला हुआ पत्ता और अनवांटेड लीव्स और अनवांटेड स्टेम, जिसको मैं काट के फेंक दिया था। और मेरे छत के ऊपर ही दो मेरे मैंगो के प्लांट आते हैं जो ज़मीन पे लगा हुआ है, लेकिन छत के ऊपर उसका एक्सेस है। तो उसके जो लीव्स है वो देखिए, सभी मैं इकट्ठे कर लिया हूँ। और टाइम टू टाइम मैं जब जो प्रूनिंग करता हूँ उसका ही, उससे जो निकल के आता है लीव्स और स्टेम, उसको भी मैं एक साथ इकट्ठे करके रखा हूँ। दोस्तों, देखने से तो ये कचरा नज़र में आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी खाद नीचे से बनना चालू हो गया है। दोस्तों, ये पत्ते की खाद बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक साल ऑलमोस्ट लग जाता है। और मैं इसको ओपन स्पेस में, मतलब नेचुरल वे पे इसको रेडी करता हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार का खाद एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आपको देखने को मिलेगा कि उसमें गोबर खाद या और एक्स्ट्रा कुछ खाद ऊपर से ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे नेचुरली कैसे खाद बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, खाली सब लीव्स को एक जगह इकट्ठे कर लेना है। और लीव्स के साथ ही जब हम लोग सफाई करते हैं गार्डन का, तो उससे बहुत सारे रेत और मिट्टी निकल के आते हैं, उस मिट्टी को भी एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो मिट्टी और रेत काफ़ी है इसको खाद बनाने के लिए, ऊपर से एक्स्ट्रा गोबर खाद की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसको एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, आपके गार्डन के ही एक साइड पर, या फिर आप बस्ते के अंदर भी ले सकते हो, या फिर कंटेनर के अंदर भी इसको रख सकते हो। तो दोस्तों, इसको लेकर कुछ नहीं करना है, हर रोज़ थोड़े से हल्का पानी के छिड़काव कर देना पड़ेगा और ये खाद धीरे धीरे आपके खाद बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं बना चुका था एक बस्ते के अंदर। अभी तो फिलहाल आप देख पा रहे हो, इसको मैं यूज़ भी कर लिया हूँ और आखिर में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसको मैं बस्ते में इकट्ठा किया था और देखिए बस्ता भी अभी फट चुका है, क्योंकि बहुत दिन से ये छत के ऊपर ही मैं इसको इकट्ठा करके बनाया था। दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक खाद है, आप आपके गार्डन में ये यूज़ कर सकते हो, सब्जी वाले प्लांट्स पे या फिर आप फ्रूट वाले प्लांट्स पे, इससे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा मिलता है। दोस्तों, लेकिन इसको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 10-15% ही आप इसको यूज़ करना है। आपके जो टोटल पॉटिंग मिक्स है उसका 15% आप इसको ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें कार्बन की परिमाण बहुत ही ज़्यादा होता है, इससे आपके प्लांट्स के जो लीव्स है वो जल सकते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत सारे पत्ते की खाद इकट्ठा कर लिया हूँ। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए देखिए ये भीगा भीगा सा है। तो देखिए, ये भी अभी खाद बन चुका है। दोस्तों, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे गोबर खाद और भर्मी कंपोस्ट आपको नहीं मिल पाता है, नर्सरी बहुत दूर है आपके घर से, तो आप ऐसे पत्ते की खाद आपके घर में ही आप बना सकते हो। इससे आपके वेजिटेबल प्लांट्स में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है और फ्रूट प्लांट्स पर भी अच्छे से फ्रूट आता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको पत्तियाँ इकट्ठे करना है और उसके ऊपर से हर रोज़ थोड़ी सी पानी की छिड़काव करते रहना पड़ेगा। और आपको जैसे आपको पत्ते मिले उसके ऊपर आप डालते जाइए और पानी की छिड़काव करते जाइए, तो एक साल के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप यूज़ कर सकते हो पॉटिंग मिक्स में, या फिर आप प्लांट ट्रांसप्लांट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा वीडियो पत्ते की खाद के ऊपर, या फिर आप इसको लीफ मोल्ड भी कहा जाता है, या फिर आप फ्री के फर्टिलाइज़र भी कह सकते हो, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र भी रेडी हो जाता है फ्री में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।